इसलिए होती थी, पहले जो भेड़ बकरी वाले गाय डंगर जो भी चुगाते थे ना, उनको एक पार्टी जैसे देते थे, और उनको गाय को, खास करके गाय को इसमें सजाया जाता था। और जिन्होंने ये ब्लॉग डाला तेरे को, मैं तो डालूंगी कसम की, क्या बात है। सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। काफ़ी समय बाद आप लोग सोच रहे हो क्या हुआ था। इससे पहले वैसे दूसरा ब्लॉग पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो भी मैंने शूट करके रखा था, लेकिन उसके अगले दिन, और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब जिसको बोलते बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं एडमिट थी 3-4 दिन में, फिर थोड़ा मैंने अपने हेल्थ का ध्यान रखा, मतलब फिर अब जब मैं फ्रेश होगी तो फिर से आपका सोचा कि आपसे रूबरू हो जाते हैं, तो आज ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हेल्थ ठीक है, अच्छी है। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरे साथ कौन है। आज अभी साक्षी, हेलो, ये ना यार चंडीगढ़ से आई, पिछले कल आई है, और मैंने इसको अपने घर पे रखा। और मेरे घर पे ना आजकल उफ इतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी ना, क्या बोलूँ। फिर मैं इसके घर जा रही हूँ, इसके घर पे नहाऊंगी परी जाके केल्टी में। ये तो जन्नत में आ गई, इसको लग रहा है अब की जन्नत, यहाँ देख मेरे को दिया सब कुछ यार तूने, ऐसे इसको लग रहा है कि अब ये जन्नत में। और सच में लगेगा ही, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, अभी मौसम भी इतना सही हो रखा है ना। ये रास्ता है ना, इस रास्ते से जा रहे हैं हम परे को केल्टी, केल्टी से ब्राहड़ी के लिए, ये शॉर्टकट रास्ता है सबसे ज़्यादा। और देख सकते हो कितना खूबसूरत रास्ता है, ये डॉन देखो गाइस, फोटो पे फोटो ली जा रही है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, पार ब्राहड़ी दिख रहा है, और यहाँ 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 है मेरा घर, ये वहाँ से पल्ली साइड को है, ये पार्क मशहूर है साइड, और ये केल्टी पार्क को, क्या बोलती क्यों नहीं है, चल क्या है साक्षी, झाड़ू मार रही है, चल साक्षी झाड़ू मार, तेरी काम उड़ा रही हूँ आज, झाड़ू मार। आता जो यार, तभी तो बोल रही हूँ झाड़ू मार। गाइस हम लोग ना यार तैयार होके आ गए हैं, देखो साक्षी क्या हीरोइन बनी है ना, और मेरे को देखो मैं वैसी लूपी जैसी। ये शब्द ना मेरे को क्या बताओ, आज तक मैंने उस लड़की को अपने ब्लॉग में नहीं लाया, ये छोटी बहन लगती है मेरी, और जो मेरे को सिखाया जिसने ये लोपी शब्द, ये मेरे मुंह में बैठा हुआ है, फिर मेरे से बोला जाता है। तुम लोग अभी मॉल को आए घूमने यार, और हमारे पास कोई ऑप्शन में कोई जगह नहीं थी घूमने को, तभी हम लोग मॉल आए। चलो आपसे मॉल पर ही मिलते हैं, अब जो भी होता है आगे आगे देखते हैं क्या होता है। काफ़ी समय बाद साक्षी के साथ कहाँ पहुँची, आपको दिख ही रहा है झांसी पार्क, मेरे बहुत टाइम हो गया था, मैं पहुँची नहीं थी यहाँ पे, और मेरे ना यार यहाँ पिंपल हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो अभी बैठे हम लोग, मैं सोच रही हूँ क्या करना है, मॉल पे तो वैसे बोरिंग सा होता है सब, वैसे मैं बाहर का खाना भी छोड़ दिया है, तो बहुत रेयर, वैसे अभी खा के आए लंच, बहुत ही ज़्यादा लंच खा के आए हम लोग, तो अभी तो फिलहाल बोर ही हो रहे हैं यहाँ पे भी, बैठते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन फिर दिखते हैं क्या करते हो। मीट बोल दिया था, ब्लॉग डाला तेरे को, मैं तो डालूंगी कसम की, क्या बात है। गाइस मिलो प्रशांत से, हम ये नहीं बोलता कुछ नहीं, इधर मिलो कार्तिक से, हाँ सब हम चारों मिल के बोर हो रहे हैं, हेलो करना, ये तो मैं डालूंगी क्लिप, कैसा ना क्या ना, सुंदर दिख रहा है, मान जा ले, देख तेरे पाँव पकड़ रहे, देख ले चुप अभी हम बोर हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और मैं ना वहाँ पार्क में सोई थी यार, मैं सोई थी यार, कितने मिनट सोई थी साक्षी, 10 10 मिनट, और ये साक्षी 2 मिनट,
इसको तो फोन ही फोन आते, प्रधानमंत्री आने वाला सही में। और हम इधर खतरनाक ही बोर हो रहे हैं, देख सकते हैं और ज्यादा बोर हो के हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। आपको दिखाते हैं ऐसे नीचे लकर बाजार, ऊपर वाले लकर बाजार में आप फुटपाथ पे बैठे हैं, जैसे भीख नहीं मांगते बाकी सारे खड़े। बाल बनाने देखो यहाँ कैसे बैठे हो, बहुत ज्यादा बोर हो गया आज भाई, बहुत ही बोर हो रहे, बहुत ही ज्यादा लोग देख रहे पता नहीं क्यों उनके मियाँ खतरनाक है। क्या हुआ बस यार कहाँ नहीं जाती, लेट हो गई थी गाइस, मैंने इसको ले जाना था कहीं पर, लेट हो गई बहुत ज्यादा तो हमने लिया नहीं। और हम हर कहीं बैठे यार, घड़ी घड़ी बोर हो के टॉक हो के साक्षी घर को चल पड़ी और हम बेहद बोर हुए। साक्षी कुछ कहना चाहती है बोरिंग डे के लिए, कल मिलती है अकेले, कल मिले ना मिले कोई पता नहीं, जोर से बोला है मैंने ना सुनाई थी, मिलेंगे हम कल ठीक है। चांद वगैरह बैठे अब हम घर को जा रहे हैं। तो गाइस हम थोड़ा अरे को आए ना, मतलब बराड़ी उतर चुके हूँ मैं, थोड़ी बारिश हो रही थी, अभी प्रशांत बोल रहा है थोड़ा घूम ले यार मेरे साथ, कब घूमेंगी तो इसके साथ मैं, अरे परे वॉक जैसा हो रहा अपना बस और कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फोटो शूट किया हमने, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। गाइस प्रशांत में कुछ होने आया बराड़ी तक, इसकी फ्लैश लाइट चली गई है ठीक है, कल मिलेंगे फोन करके सुबह लोअर लेके, बाय ओके भैया, बाय बाय ओके बाय। गाइस मैं रूम में पहुंची और आज ना हमारा एक फंक्शन होता है, बताओ तो फिर क्या होता है जिसको हम क्या बोलते दखनोड़ बोलते, और इनको याद नहीं था ये इसलिए होती थी पहले जो भेड़ बकरी वाले गाय डंगर जो भी चुगाते थे ना उनको एक पार्टी जैसे देते थे, और उनको गाय को खास करके गाय को उसमें सजाया जाता था, और मुझे याद ही नहीं रहा मैंने भी सजानी थी गाय, पर मैंने सजाई हुई है पहले से, मैंने अपने नील नितिन और मुकेश सजाए हुए, दिखाओ मेरे नील नितिन और मुकेश, मैं इतनी लेट डालूंगी यार, दिखाओ ना चेक किसको दिखाऊं, मुकेश दिखा इसको दिखा, तीनों को दिखाती हूं, ये मेरा नील, ये नितिन, ये मुकेश, ये फूलों से सजाई थी, मुकेश देख ये अच्छा सजाया, और ये ना ये लोग खा रहे थे इसको एक दूसरे के फूल। हाँ साझा होता है, साझा बोलते हैं ना शॉर्टकट, साझा तो साझा ही बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे सजाते हैं और उनकी पार्टी रहती है थोड़ी देर हमारा, हाँ उनको पार्टी देते हैं ऐसे ऐसे सजाते है गाय को, स्पेशली तो गाय को सजाते है मस्त तरीके से, घर पे होते तो मैं आपको जरूर जरूर दिखाते, लेकिन हम नहीं गए बहू ना हम बैग जाते हैं मैं कभी कभी बोलते बोलते ऐसा ऐसा है गाइस हमारा डिनर, और ये घी दीदी का स्पेशली पीके दीदी के लिए गिफ्ट भेजा है बड़े दूर से मेरी दोस्त ने, हाँ मेरे दोस्त, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना। और यार मैं आप लोगों को पता क्या बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी, दीदी चले गए घर बड़े वाले, वो कुछ दिनों घर ही रहेंगे, पता नहीं बोला मैं बीमार थी, हाँ तो मैं बीमार थी सुबह जो बोल दिया था, और मैं एडमिट थी, एडमिट थी बहुत दिनों से, गुली इतनी बड़ी हो गई थी सूज की, एक दिन देती थी सूजी में, आंखें भी नहीं दिख रही थी गायब थी हुई, मैं भी सोच चुकी हूँ ना खुल रही है चलो हम लोग ने डिनर